हेलो गाइस, आप सभी लोगों का भाई फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूरोपियन T10 क्रिकेट लीग के ग्रुप एफ के मैच के बारे में, जो खेला जाएगा पाक आइकियर वर्सेस डाउन स्टैंड के बीच। यह इस ग्रुप का फाइनल मैच है, जो 14 मैच होगा आज इस ग्रुप का। और बात करें टाइमिंग की, तो टाइमिंग है 12 बजे इंडियन टाइमिंग के अनुसार स्टार्ट होगा। डेट देखें तो 14 मार्च 2024, जो आज ही की है, ठीक है। वेदर की बात करें तो वेदर क्लियर है, बारिश के कोई भी चांस नहीं है। वेन्यू रिकॉर्ड देखें तो काटमा ओवल पर खेले जा रहा है इस टूर्नामेंट के सभी मैच, तो आज का भी इसी वेन्यू पर है, ठीक है। पिच रिपोर्ट की बात करें तो एक आर्टिफिशियल पिच है, जिसके बिहेवियर में कुछ भी चेंज नहीं आता है, सेम रहती है, और बैटर और बॉलर के लिए सेम मदद है, ठीक है। एवरेज स्कोर देखें तो लगभग 135 से लेकर 145 तक एवरेज स्कोर बनता है। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें सीजन में तो 79 मैच हुए, जिसमें से 44 मैच जीते हैं बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने और 35 मैच जीते हैं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने। यानी थोड़ा बहुत एडवांटेज बैटिंग फर्स्ट वाली को है, ठीक है। तो इसीलिए आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि इस मैच से रिलेटेड आपको टॉस अपडेट मिल जाएगी, साथ ही प्लेइंग 11 मिल जाएगी, और साथ ही कोई नए खिलाड़ी खेलेंगे तो उसके स्टेट भी हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे। इसलिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बात करते हैं पहली टीम की, जो है DST। DST ने इस टूर्नामेंट में लगभग 6 मैच खेल लिए, जिसमें 4 जीती और 2 मैच हारी है। इनों की तरफ से ओपनिंग कर रहा कदरगुल उत्मनजाई, जिसने 6 मैच में 61 रन बनाए इस टूर्नामेंट में। T10 का रिकॉर्ड देखें तो 51 मैच में 1009 रन 22 के एवरेज से बनाए। इसके बाद है इकबाल हुसैन, जिसने 5 मैच में 208 रन बनाए, ठीक है। इसके T10 का करियर देखें तो 62 मैच में 1307 रन 24 के एवरेज से बनाए, 20 ओवरों की गेंदबाजी करवाते हुए 8 विकेट लिए। T20 रिकॉर्ड देखें तो 25 मैच में 532 रन बनाए, 25 के एवरेज से 13 ओवर की गेंदबाजी कराई, 6 विकेट लिए। इसके बाद है रजमल सिगीवाल, जिसने इस टूर्नामेंट के 6 मैच में 163 रन बनाए, और T10 का रिकॉर्ड देखें तो 93 मैच में 1915 रन 26 के एवरेज से बनाए, 15 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए 17 विकेट लिए। इसके बाद आता है नंबर 4 पर बशीर खान, जिसने 6 मैच में 137 रन बनाए, 2 ओवर की गेंदबाजी करी है, 3 विकेट लिए। बॉलिंग नहीं डालेगा, खाली बैटिंग से कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, तो आप इसको चाहो तो ट्राई कर सकते हो। अपन बैटिंग थोड़ा नीचे करता है, ठीक है, किसी मैच में चलता है किसी में नहीं चलता है। इसके बाद है T10 की बात करें तो 67 मैचों में 876 रन बनाए, 25 की एवरेज से 79 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए 39 विकेट लिए। इसके बाद है जावेद सदरान, जिसने 6 मैच में 72 रन बनाए, इस टूर्नामेंट के 10 ओवर की गेंदबाजी करी है, 4 विकेट लिए। T10 का रिकॉर्ड देखें तो 80 मैच में 779 रन बनाए, 134 ओवरों की गेंदबाजी करवाई और 73 विकेट लिए। यह भी एक अच्छा चॉइस है, क्योंकि बॉलिंग और बैटिंग दोनों से कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। इसके बाद बात करते हैं हकीम पुरजाई की, जिसने 3 मैच में 33 रन बनाए, 6 विकेट लिए। रिसेंट फॉर्म देखें तो 5 मैच में 9 ओवर की गेंदबाजी, 4 विकेट, यानी आपको बॉलिंग करवा के देगा 2 ओवर की हर मैच में, और लास्ट मैच में भी इसने बॉलिंग करवाई थी। इसके बाद आसिफ खान, जिसने 6 मैच में 9 रन बनाए इस टूर्नामेंट के। T10 का करियर देखकर 27 मैच में 145 रन 13 की एवरेज से बनाए, 11 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए 4 विकेट लिए, ठीक है। इसके बाद अमन अहमद जैद, जिसने 5 मैच में 42 रन बनाए, 1 ओवर की गेंदबाजी करी, 0 विकेट लिए इस टूर्नामेंट में। ओवरऑल रिकॉर्ड देखें तो T10 का, जिसमें 49 मैचों में 435 रन बनाए, 19 की एवरेज से 45 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए 30 विकेट लिए, ठीक है। इसके बाद आता है साहिल जदरान, जिसने 86 मैचों में 482 रन बनाए, 151 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए 58 विकेट लिए। रिसेंट फॉर्म देखें इस टूर्नामेंट की तो 6 मैच में 109 रन बनाए और 12 ओवरों की गेंदबाजी करवाते हुए 4 विकेट लिए, ठीक है। तो यह भी आपके लिए मस्ट पिक है, क्योंकि हर मैच में बॉलिंग डाल रहा है और एक अच्छा खासा बॉलर है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इतबार शाह, जिसने इस टूर्नामेंट के 5 मैच में 10 ओवर की गेंदबाजी करी है, 4 विकेट लिए। T10 का रिकॉर्ड देखा तो 71 मैच में 47 रन 112 ओवर की गेंदबाजी, 67 विकेट लिए। इसके बाद इसाक साफी, जिसने 5 मैच में इस टूर्नामेंट के 10 ओवर की गेंदबाजी करी है, 3 विकेट लिए। यह भी आपको हर मैच में गेंदबाजी प्रोवाइड करवाएगा। T10 का रिकॉर्ड देखें 50 मैच में 65 ओवर की गेंदबाजी, 24 विकेट है। बेंच पर भी इनके 4 प्लेयर हैं, तो इनमें से कोई खेलेगा तो उसके स्टैट्स हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे। बात करते हैं आज की पहली फाइनलिस्ट पाक आइकियर की, जिसने इस टूर्नामेंट में 5 मैच खेले और 4 मैच जीती और 1 मैच मात्र हारी है। यह बहुत ही मजबूत टीम है और सभी प्लेयर एक्सपीरियंस प्लेयर है। इनों की तरफ से ओपनिंग करता है मोहम्मद बाबर, जिसने 5 मैच में 158 रन बनाए इस टूर्नामेंट में, 8 ओवर की गेंदबाजी करी और 5 विकेट लिए। यानी आपको ओपनिंग करके देगा, साथ ही 2 ओवरों की गेंदबाजी करवाएगा इस मैच में, मतलब कैप्टनसी का डिफ़ॉल्ट पिक यही है, ठीक है। और T10 का करियर देखें तो 80 मैचों में 1954 रन 33 के एवरेज से बनाए, 106 ओवरों की गेंदबाजी करवाते हुए 51 विकेट लिए। उसके बाद है डैनियल डॉयल काले, 3 मैच में 130 रन बनाए। T10 का करियर देखें तो 42 मैच में 1195 रन 44 के एवरेज से बनाए। यह भी वाइस कैप्टनसी का अच्छा चॉइस है, अगर इनकी टीम पहले बैटिंग करती है तो आप इसको कैप्टन वाइस कैप्टन रख सकते हैं।
T20 इंटरनेशनल का रिकॉर्ड देखे तो 19 मैच में 355 रन 23 की एवरेज से बनाए। उसके बाद है मोहम्मद इंसान जिसने 5 मैच में 130 रन बनाए, साथ ही विकेट कीपिंग के पॉइंट भी देगा, तो आपके लिए यह भी मस्ट पिक है। और पहले बैटिंग में आप इसको कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। बात करें T10 करियर की तो 162 मैचों में 4,474 रन बनाए 40 की एवरेज से, 7 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए 3 विकेट लिए। T20 इंटरनेशनल का रिकॉर्ड देखे तो 10 मैच में 267 रन 38 की एवरेज से बनाए। इसके बाद है सिकंदर अली जिसने 5 मैच में 135 रन बनाए इस टूर्नामेंट के, और ओवरऑल रिकॉर्ड देखे 50 मैच में 453 रन 16 की एवरेज से बनाए, 48 ओवर की गेंदबाजी करी 23 विकेट लिए। इस टूर्नामेंट में बॉलिंग नहीं करवा रहा, बैटिंग से कंट्रीब्यूट कर रहा है और बैटिंग ठीक ठाक कर रहा है, ठीक है। इसके बाद है सफदीन बरात जिसने इस टूर्नामेंट के 5 मैच में 17 रन बनाए, 10 ओवर की गेंदबाजी करी 7 विकेट लिए। यह एक अच्छा बॉलर है और हर मैच में आपको 2 ओवर की गेंदबाजी प्रोवाइड करवाएगा और इस टीम की तरफ से मस्ट बॉलर है, ठीक है। और आप इसको फर्स्ट बैटिंग अगर इनों की टीम करती है तो CVC भी आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि नंबर 4-5 पर बैटिंग करेगा, साथ ही 2 ओवरों की अच्छी खासी गेंदबाजी प्रोवाइड करवाएगा। T10 का करियर देखे तो 60 मैच में 705 रन 20 की एवरेज से बनाए, 80 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए 53 विकेट लिए। T20 इंटरनेशनल का रिकॉर्ड देखे तो 6 मैच में 32 रन बनाए 16 की एवरेज से, 18 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए 9 विकेट लिए। इसके बाद है मोहम्मद आतिफ जिसने 5 मैच में 20 रन बनाए 9 ओवर की गेंदबाजी करी 4 विकेट लिए, ठीक है। तो यह भी बॉलिंग तो करवा रहा है इस टूर्नामेंट में, पर विकेट थोड़े कम मिल रहे हैं। इसके बाद है आबिद महमूद जिसने इस टूर्नामेंट में बैटिंग का बिल्कुल मौका नहीं मिला है, 5 मैच में मात्र 6 रन बना पाया है। T10 का रिकॉर्ड देखे तो 61 मैच में 405 रन बनाए 32 ओवरों की गेंदबाजी करवाते हुए 21 विकेट लिए। इसके बाद है मोहम्मद मौसिम, इसका भी ऐसा ही है, इस टूर्नामेंट में बैटिंग बॉलिंग का कुछ खास मौका नहीं मिल रहा है, 5 मैच में मात्र 17 रन बनाए। T10 का करियर देखे 70 मैच में 524 रन 36 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए 18 विकेट लिए। इसके बाद हसन अली 5 मैच में 9 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए 5 विकेट लिए, यह भी आपको कंफर्म 2 ओवरों की गेंदबाजी करवा के देगा और अच्छा बॉलर है ये, ठीक है। ओवरऑल रिकॉर्ड देखें T10 का 43 मैच में 31 रन बनाए 5 की एवरेज से, 80 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए 33 विकेट लिए। इसके बाद है साकिब अली, लास्ट मैच खेला था जिसमें 1 ओवर की गेंदबाजी करी विकेट लेस गया था। T10 का करियर देखे 2 मैच में 85 रन 3 ओवर की गेंदबाजी 1 विकेट, अगर खेलता है तो एज अ डिफरेंशियल आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद है अली अहमद जिसने 3 मैच में 12 रन बनाए 1 ओवर की गेंदबाजी करी और 1 विकेट मिला है इसको, और T10 का ओवरऑल रिकॉर्ड देखे तो 49 मैचों में 209 रन 17 की एवरेज से बनाए 61 ओवर की गेंदबाजी करी 32 विकेट लिए। उसके बाद है असद रंबानी जो एक मैन बॉलर है इस टीम का, 4 मैच में 9 ओवर की गेंदबाजी 6 विकेट लिए। ओवरऑल रिकॉर्ड देखे T10 का 18 मैच में 10 की एवरेज से रन बनाए 53 और 25 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए 14 विकेट लिए। बात करते हैं यहाँ से आपके लिए मस्ट पिक कौन से हैं, तो ऊपर के जो तीनों पिक है वो आप जरूर ट्राई करना सभी टीमों में। इसके अलावा सिकंदर अली को आप फर्स्ट बैटिंग में ट्राई करते हो, सेकंड बैटिंग में ट्राई मत करना। सफदीन बरात को आपको दोनों पोजीशन में ट्राई करना है, बैटिंग फर्स्ट हो चाहे चेजिंग हो, फर्स्ट बैटिंग में आप इसको CVC भी ट्राई कर सकते हैं, मतलब वाइस कैप्टन तो दे ही सकते हैं। डिफ़ॉल्ट कैप्टन मैंने बता ही दिया है, मोहम्मद बाबर है इस मैच में, ठीक है। और आतिफ को आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, बॉलिंग तो करवाता है पर विकेट थोड़े कम मिलते हैं। इसकी जगह आप हसन अली और असद रंबानी को आप कंफर्म टीम में डालना, ठीक है। बेंच पर 2 प्लेयर है तो इनमें से कोई खेलेगा तो उसके स्टैट्स हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। वीडियो पूरा अगर आपको आपने देखा होगा तो आपको दोनों टीमों के बारे में सही से जानकारी हो गई होगी, कौन कौन से प्लेयर लेने हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और कौन से अपन रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस टूर्नामेंट से रिलेटेड आपको सारे वीडियो मिल जाए, क्योंकि कल से नया ग्रुप स्टार्ट हो रहा है तो उसके भी नए नए प्लेयर आएंगे तो उसके स्टैट्स भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो आपको जुड़ने हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। साथ ही कुछ अगर हम हमारे वीडियो में कुछ दिक्कत लगे तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, हम उसको सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे, साथ ही उसका आपको रिप्लाई भी देंगे कमेंट में, ठीक है। साथ ही टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाओ जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, जिससे आपको इस मैच से रिलेटेड सारी अपडेट मिल जाएगी, टॉस अपडेट, बैटिंग ऑर्डर और कोई नया प्लेयर खेलेगा तो उसके स्टैट्स, साथ ही हमारी फाइनल टीम भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, ठीक है। बात करते हैं डेमो टीम की, तो डेमो टीम की बात करते हैं अपन इस मैच की, तो मैच अपडेट हो गया है, 1 घंटा बाकी है लगभग, ठीक है। आपके सामने डेमो टीम बना देते हैं, लाइनअप आउट हो चुका है तो मतलब यह हमारी फाइनल टीम भी हो सकती है, ठीक है। इसलिए वीडियो को आप आसानी से देखोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कौन कैप्टन है कौन वाइस कैप्टन है, यही हमारी फाइनल टीम होगी। विकेट कीपिंग सेक्शन से मोहम्मद इंसान लेंगे, डैनियल काले लेंगे और इसके अलावा अपन लेंगे मोहम्मद बाबर, सफदीन बरात, ठीक है। इसके अलावा असद रंबानी, हसन अली और मोहम्मद आतिफ, इसके 7 प्लेयर ले लिए अपन ने। और बल्लेबाजी से अपन लेंगे यहाँ से इब्रार हुसैन, रजमा सीगीवाल और जावेद जादरान, यहाँ से लेंगे बशीर खान, ठीक है। ये हमने हमारी टीम बना दी है, फाइनल टीम नहीं आई है हमारे टेलीग्राम चैनल पर,
और यह हमारी फाइनल टीम होगी। कैप्टन इसको बना दिया, वाइस कैप्टन अपन बनाएंगे इंसान को, क्योंकि विकेट कीपिंग के पॉइंट भी दे सकता है, ठीक है। या फिर आप चाहो तो डैनियल काले को बना सकते हो, ठीक है। यह हमारी फाइनल टीम है। हमारी फाइनल टीम अब टेलीग्राम पर चैनल पर नहीं आएगी। वीडियो आपने पूरा देखा होगा तो आपको सब कुछ समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना, और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना। धन्यवाद।